नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल इंग्लिश 1017वीं क्लास को देख रहे हैं। और मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। सो अगर आप सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी पढ़ना अभी तक नहीं जानते या आप तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में आप ये सब बात जानेंगे कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। अच्छे तरह से समझिएगा और ज़िंदगी भर याद रहेंगे ये जो ट्रिक्स है, कह सकते हैं कि जो ट्रिक्स अपनाएंगे उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए, आपको ये जानना होगा कि ABCD जो होता है, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, और जिसकी संख्या है कितना है, 26 है ना। यह 26 है, लेकिन इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है 68 तरह से। इसी वजह से लोग इंग्लिश जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा बात कि कभी कभी आप देखते हो कि हिंदी के नाम को नहीं लिख पाते हैं, मैसेज नहीं कर पाते, हिंदी के शब्दों को जो आप समझते हैं उसको अंग्रेजी नहीं लिख, मतलब बदल पाते, इंग्लिश में नहीं बदल पाते। तो उसका मेन कारण है ये वर्णमाला, जिसकी संख्या है 50। ये कैसे हो जा रहा है, तो 14 + 36 होकर ये 50 हो जा रहा है। ये 14 कैसे हो रहा था ये भी मैं बताऊँगा आगे। लेकिन पहले ये देखिए कि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है। तो देखिए, AEIOU यही तो 5 है ना, 5 है। इसमें एक डबल ओ मिला लीजिए तो ये हो जाता है 6 वॉवल्स कह सकते थे। और ये जो है इसका उच्चारण करने का कुल तरीका है 27। जी हाँ, 27 से आप बढ़ा लीजिए एक और 28, ठीक है 28। और जहाँ तक कॉन्सेंट की बात है वो 21 है, लेकिन उच्चारण 41 तरह से होता है। इन दोनों इस तरह से जो है कह सकते हैं कि कॉन्सेंट जो है व्यंजन के बहुत ही करीब होते हुए सभी कुछ, चूँकि हिंदी के हम लोग थोड़ा जानकार हैं हम लोग, तो क्या होता है कि सारे कॉन्सेंट व्यंजन में आ ही जा रहे हैं, जिससे उच्चारण करना बहुत आसानी हो जाए। दूसरा कि देखिए, वर्णमाला जो है इसके दो पार्ट मैंने बताया था, है ना, 14 36। तो ये स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन इसकी संख्या 36 है, इन दोनों का अंग्रेजी नहीं इंग्लिश में अंग्रेजों ने क्या किया कि इसका अपने उनके मतलब हमारे जो उच्चारण थे उस और उनके जो उच्चारण थे, उन दोनों का मतलब मिलान करने के बाद एक उच्चारण उन्होंने अलग से गढ़ दिया है ना। अब वो देखेंगे कि क्या है कुछ है, इसके अलावा ये तो जानेंगे, लेकिन अब इस बात पर प्रैक्टिस करना आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पे आपको जो है फोकस करना है, इसके आप तेज़ी से पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वर देखते हैं। देखिए, स्वर क्या है, स्वर जो आपके सीधा अंदर से हवा जो आती है बिना किसी मुंह में किसी चीज़ का संपर्क हुए सीधा निकल जाती है, एक आवाज़ बन जाती है जिसका जो कि प्रैक्टिस होता है। बच्चे लोग नहीं बोल सकते हैं, बच्चे लोग जो ये 14 स्वर हैं नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे का कहने का मतलब दोस्तों कि जो जन्म लिए हैं जिनको बोलने नहीं आता, अब कहीं बोलने नहीं आता तो कैसे सीखेंगे। तो भाई हम लोग जो है दोस्तों सिखाते हैं, दोस्तों हम लोग क्या है, शब्दों को सिखाते हैं। शब्द जब सीखते हैं ना बच्चे, तो शब्द के ही अंदर ये जो स्वर है सारे उच्चारण में आ जाते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। यहाँ ऐसे बोल दिया जाए कि बोलिए बच्चे को, जो जन्मजात बच्चा उसको कहिए, कहाँ बोलेगा, 6 महीने तक के बच्चे नहीं बोल पाते, साल जब लगता है तब बोलना चालू करते हैं। तो कैसे होता है ये, उनको क्या अ से अह तक बोलना सीखते हैं सिखाते हैं नहीं, सीधा शब्दों का उच्चारण सिखाते हैं। लेकिन ये तो आगे बढ़ जाते हैं ना, बाद में इसी चीज़ को शब्द तो सीख लेते हैं, ठीक है शब्द तो सीख लेते हैं, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं स्कूल जाते हैं तो फिर वही स्वर आता है बाद से कि भाई ये अ है, आ, ई, ई है ना, छोटी बड़ी ई, ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री री छोटी री बड़ी री, है ना, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो शब्द बाद में ये पता चलता है कि ये शब्द जो है ये बना कैसे, तो दोस्तों शब्द जो बनता है, शब्द बनता है स्वर, ठीक है, और प्लस व्यंजन के संयोग से जो है स्वर बनता है। ये प्रक्रिया कई बार चलता है, कई स्वर कई व्यंजन, कई स्वर कई व्यंजन, कभी कभी स्वर ही रह जाता है, कभी कभी लास्ट में व्यंजन ही आ जाता है, ऐसे करके जो प्रक्रिया चलता है तब एक शब्द बनता है। तो अब देखिए, इसको शब्द बनाने के लिए तो बोलने में तो आप बोल लेते हैं, लेकिन लिखने में ये अंग्रेजों ने यही किया कि उनका जो वॉवेल था ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको उन्होंने इसमें, जैसे मैंने बोला भाई अ, तो उनको लगा कि अ जो है ए के तो ही नज़दीक है ना,
तो उन्होंने इसके लिए ए दे दिया, बोले आ, तो अ आ, तो देखिए आया था सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, हालांकि डबल ए भी है। ई, ई बोला तो आई से वो भी ई बोलते हैं, ई को आई को ई बोलते हैं, इसलिए उन्होंने दिया, बड़ी के लिए डबल ई कर दिया। ऊ बोलते हैं तो यू को ही यू बोलते हैं, वो ही बोलते हैं। अभी तो ये सब उन्होंने पहले से बोल रखा है, तो उनको लगा कि ऐसा है तो ऐसा है, उन्होंने सेट किया। लेकिन लिखने में उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर रखी है, जो कि चूँकि मैं हमेशा बात करता हूँ, या आपके भी जहन में आता होगा, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते ही हैं, फेमस क्वेश्चंस, जैसे आप सोचते हैं कि भाई ओ एफ टी ई एन में इसे ऑफन क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना, ऐसा लगता होगा, या बी यू टी बट बोलते हैं तो बी यू टी बट बोलते हैं तो पी अगर आता है पी यू टी पुट क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा वो हमेशा दिमाग में बहुत सारी बात रहते हैं ना, कि भाई टी को श कैसे बोलते हैं, टी ए को श कैसे बोल सकते हैं, नहीं आप कहेंगे टी ए को कैसा ऐसा नहीं बोलेंगे, तो मैं बताऊंगा टी आई से श उच्चारण होता है। दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिए, मात्रा चिन्ह यहाँ लिख लीजिए, आ का ई छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ये बड़ी री हो गया, ये इंग्लिश के संस्कृत के शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ए का ए का ओ का अ का अन का और ये आ का, ये वर्णमाला है। और इसको जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया शब्द के लिए तो व्यंजन चाहिए ना, ये व्यंजन आधे आधे अक्षर होते हैं, जब भी मतलब कह सकते हैं ना कि पानी अगर गिलास भरी है, पानी अगर यहाँ अगर ये गिलास है इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसमें जिस जो कलर डालिए वो हो जाएगा, वही चीज़ है व्यंजन, जिसमें कोई भी स्वर मिला लीजिए, जी हाँ स्वर तो आप जानते ही हैं अब कि अ से लेकर अह तक है, अ से लेकर अह तक कोई भी स्वर मिलाए उसके अनुसार ये ढलते जाएगा, और उसी के अनुसार यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा हुआ उसका उसका जो स्वर है, स्वर का मात्रा चिन्ह इसमें जुड़ते जाएगा, यही है पैटर्न, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से ना। जैसे कि अभी तक इसमें कुछ इस व्यंजन में कुछ नहीं मिला हुआ, नीचे अंग्रेजी में कुछ नहीं मिला हुआ, अगर इसमें अ मिलाते हैं ना तो हम लोग सभी में अगर आ मिला देते हैं, सभी में आ मिलाते हैं तो क ख ग तक मिल जाता है, अगर आ मिलाते हैं तो काखा का, इस तरह से जो है 12 खड़ी, आप हिंदी के 12 खड़ी को तो जानते होगे, नहीं तो हमारे वीडियो को देख लीजिए, तो 12 खड़ी बन जाती है, 12 खड़ी ही जो है एक दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए र वाला में रा, र र री में रा ले लिया, और ख खा खी में ख ले लिया, खी छोटी ले लिया, बड़ी ले लिया, तो राखी हो जाता है ना, राखी, सब तो ऐसे ही बनते हैं, तो ये सब एक तैयारी है, तो इसको अच्छे से समझिए, और इसका अंग्रेजी याद रखिए, अंगा संस्कृत के शब्दों में, ईया संस्कृत के शब्दों में, और लोग अक्सर याद नहीं रख पाते हैं, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, वह के लिए वी डब्ल्यू, लेकिन ये सब पॉपुलरिटी पे होता है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं, अंग्रेजों ने ऐसा कहा है कि भाई आप चाहे वी लीजिए डब्ल्यू लीजिए, कुछ लोग वी ले लेते कुछ डब्ल्यू ले लेते हैं, है ना। उसी तरह हिंदी के शब्द देखिए, ये तालाविश है एस एच, मूर्धन्य है ऐसे दल सकलेश, ये अक्षर में केस है, त्र में टी आर, गय में जीव है, ये संयुक्त अक्षर हम लोग भी जानते हैं, ऐसे संयुक्त अक्षर का मतलब दो दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन होंगे, ये समझ लीजिए, सभी आधे आधे हैं। तो अब ये सब क्यों ऐसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर तो संयुक्त अक्षर है, तो उन्होंने भी संयुक्त संयुक्त अंग्रेजी लिख दिया उच्चारण के अनुसार, अक्षर तो क अच्छा मिला हुआ तो मिला दिया, त्र तर गया जी भाई, ये सब कर रखा है उन्होंने। तो इन सब बातों को, हमारी बातों से अगर आप सहमत हो रहे हैं, तो देखिए एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, कि सभी लोग जो क्या कर दिए उन्होंने, हिंदी के जो नामों में उन्होंने अंग्रेजीकरण कर दिया। यहाँ पर फ्रेज बताता हूँ, हिंदी के जो नाम है, ठीक है, हिंदी का जो नाम है, हिंदी से अंग्रेजीकरण, हिंदी से या हिंदी में लिखिए ज़्यादा रहेगा, हिंदी में अंग्रेजीकरण, ये क्या होता है हिंदी में अंग्रेजीकरण, जैसे मैं स्टेट का नाम लेना चाहूँगा ताकि आपको अच्छा लगे, मतलब बता तो सकता हूँ ऐसे भी, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है, और उसके बाद मुझे चलिए दिल्ली को क्यों छोड़े भाई, दिल्ली को भी मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ये तीन आप स्टेट के बारे में तो जानते होंगे, ऐसा तो नहीं ना किसी का नाम है, और ये फेमस है। अब अगर स्वर व्यंजन को आप याद रखते हैं, अंग्रेजों ने ही कहा कि स्वर का अंग्रेजी जो है फला 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 होगा, ठीक है,
और व्यंजन का ये होगा, तो उसी को अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो करना है, तो अंग्रेजी वाला यानी इंग्लिश लिखना है, हिंदी को तो आता है, पश्चिम इस तरह से लिखा था, पंजाबी इस तरह से लिखा था, दिल्ली तरह से लिखा था, मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन अंग्रेजी लिखना है, इसका अंग्रेजी करना है। तो उन्होंने क्या किया, पश्चिम को बना दिया वेस्ट, देखिए अंग्रेजीकरण, हिंदी में अंग्रेजीकरण, अब बंगाल को बना दिया बंगाल, बंगाल को बंगाल बना दिया। अगर कहते हैं इसको कि बंगाल ही पढ़ेंगे, तो वो दोस्तों बंगाल ही पढ़ रहे थे, बंगाल ही उन्होंने लिखा है, लेकिन हम लोग क्या उनके ही बनाए गए रूल में फंस गए, और हम लोग इसको इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कह देते हैं, वेस्ट बंगाल। अब कोई बोलता है क्या वेस्ट बंगाल? हाँ कुछ लोग बोल देते हैं जो नहीं जानते हैं, वो एक्चुअल में सही उच्चारण कर बैठते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलेंगे, लेकिन हिंदी में पश्चिम बंगाल बोलेंगे, इंग्लिश में वेस्ट बंगाल, अच्छा लगता है वेस्ट बंगाल, बंगाल वेस्ट बंगाल, पढ़े लिखे लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल। अब देखिए पंजाब पे आते हैं, पंजाब क्या बोलते हैं, पंजाब का स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है, PUPUNJAB, पंजाब पढ़ें या पंजाब पढ़ें, दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली को, दिल्ली को ऐसे लिखते हैं DLHI, दिल्ली है ना, लेकिन लोग अब जो है बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और इस तरह दिल्ली लिखना पसंद कर रहे हैं, तो पॉपुलर अंग्रेज ये एक्चुअली ये ना आपने स्पेलिंग लिखा क्योंकि आपकी भाषा है नहीं, ना हमने लिखा, अंग्रेजों ने लिखा, तो अंग्रेजों ने अपना भाषा में इस तरह से उनको पहचान दिया, हम लोगों ने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग की तो आदत है हजारों साल के जो भी सभ्यता आती है सभी के अच्छे गुरु को अच्छे बुरे सब चीज़ को अपना कर हम लोग रखते हैं, खासकर अच्छे बातें को ज़्यादा अपना लेते हैं, तो ये सब सुधारने की ज़रूरत है ना पंजाब लिखने के लिए। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो ई को दोस्तों इसलिए वो बंगाल बन रहे थे क्योंकि ई को वो अ समझ रहे थे, यू को वो अब समझ रहे थे ना, दिल्ली जो है दिल्ली एक हिंदी वाले जो भी नाम है हिंदी में बोल रहे हैं, दिल्ली भी है एक नाम दिल्ली, तो दिल्ली अलग है दिल्ली अलग है, अलग अलग नाम है एक ही चीज़ का, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है वैसे ही है, दिल्ली शहर का नाम दिल्ली भी है दिल्ली भी है, लेकिन इंग्लिश में लिखते समय दिल्ली लिखते हैं ना कि दिल्ली, डॉक्यूमेंट्स पे ये अंग्रेजों के बाद ये बन गई कि भाई ऐसे लिखिए तो ऐसे लिखिए। आज भी क्या कोर्ट, जी हाँ तो कोर्ट की जो कोर्ट है जो भी सिविल हाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक के देखिए इंग्लिश में सब काम कराना है, क्यों ऐसा नहीं कि बताता है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया और ट्रेनिंग हो जाती है, बहुत सारे क्लिस्ट हिंदी ही कठिन हो जा रहा है जब इंग्लिश से हिंदी किया जा रहा है, इसलिए कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया था, हर में हमेशा कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया था कि भाई कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश ही रहेगी, कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश ही रहेगी, क्या पता कब तक इंग्लिश रहेगी, अरे कंफर्टेबल भाषा रहना चाहिए, चलिए उस बात पे बाद में जाते हैं। तो ये बात मेरी जो है इसको समझना होगा कि मैंने क्या कहने कहा, ये सब देखेंगे वोवेल में आकर। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट को देखते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या है, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को तो मैंने हटाया था ना, आप जानते हैं कॉन्सोनेंट संख्या 21 कॉन्सोनेंट कहा जाता है, बी से जेड तक जितने सारे, जैसे बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, ज बोलते हैं इसको, फ, जी को ग, ज बोलते हैं इसको बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, इनको न, ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र और ड बोलते हैं इसको, स, ज, टी को ट, त और च, स बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स जो है एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा, सी देखिए सी आई से और सी ई से दोनों से स होता है, के को क बोलते हैं जैसे कैरेक्टर लक में, ये देखिए कैरेक्टर क के लिए सी एच से कैरेक्टर क्रोम लक में आ जाता है, क्वेश्चन में क्वेंट में क्वीन में है ना, क्वेश्चन हो क्वेंट हो क्वीन हो ये सब क्या है लक है मतलब चेक है, चेक में तो नहीं है, चेक में ये क्यू यू आ जाएगा, तो ये सब जो है वर्ड्स हैं, इनसे जो है अब एक शब्द बना सकते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के वर्ड्स को, जैसे मैं लिख दूँ CIR CULAR तो यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर, तो CI को स पढ़ा जा रहा है सर्कुलर, अगर लिख दूँ यहाँ से मैं POLICE तो CE को स पढ़ रहे हैं पुलिस है ना, जैसे मैंने मेरा टी को टा था तो च स बोलते हैं, कैसे अब पहले श कैसे बोलते हैं, तो TION को बोलते हैं शन, ठीक है आप कहेंगे कि वैसा कहीं होता है क्या,
यहाँ तो जैसे आप देखिए एक्शन, देखिए सन आ गया ना, शन एक्शन, तो उसी से शन होता है। आप देखते हैं कि शीएल लिखते हैं, इसेंशियल में कॉन्फिडेंशियल में शीएल हो गया। फिर देखिए ये जो है जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, टी आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चूअल, जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सब वर्ड्स तो ही हैं, उनको आपको समझना होगा अच्छे से। अगर समझ जाते हैं तो बस ये 500 वर्ड देखिए आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। बाकी इसी रोज मैं बताता हूँ, आप हमारे पीछे वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए ये सारे जो टेक्स्ट आ रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहे हैं, जो ये दोस्तों 64 वर्ड है, उसी के बगल में हिंट्स और उसके बगल में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिससे कि आपको पढ़ना है, आप ही को पढ़ना है। मैं तो मैंने बहुत बार पढ़ दिया। जैसे अगर कह दें कि भाई ये लिखे सीब है, ठीक है, ये सीब है, हिंट्स इधर है, तो सीब यहाँ है, मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, तो ये तो पढ़ने आ रहा है। अगर कह दें कि भाई ये अल है और अल, ये अल ही पढ़िएगा इसको, तो बाकी चीज़ पढ़ने ना, अल तो पढ़ने आएगा ना। अगर मैं कह दूँ कि भाई टी एन को आप सन पढ़ दीजिएगा, यहाँ से टी एन को सन पढ़ दीजिएगा, तो सन यहाँ से पढ़ अब सन पढ़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तब बचा तो क्या है, एन ए ना, इसमें क्या एन ए, नेशनल कॉम्प्रिहेंशन का देखिए कम, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से कम हो गया, प्री हो गया, हैन हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव, सभी तो पार्ट्स ही हैं। तो प्रैक्टिस करिए ना, बोल के देखिए, और इसी तरह के वर्ड्स और भी खोजिए। तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम एक बार इसका उच्चारण करके देखिए। अगर करने आ जाएगा, करते करते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक समझ में नहीं आए कि कैसे कैसे उच्चारण हो रहा है, तब तक करते रहें। जब करना आ जाएगा तो आप दूसरे वर्ड्स पे जाएं, दूसरे वर्ड्स को देखें, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना आ जाएगा। ये लास्ट का स्लाइड है, इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं जिसको मैं अलग तरीके से लेते रहता हूँ, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स हैं। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखिए, और स्पेलिंग, जी हाँ, तो स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखिए, इसकी गारंटी है। चलिए अब देखिए एक वर्ड जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है केरल, ठीक है, केरल के कोच्चि से रिलेटेड है, और इसमें कुछ खास वहाँ के बारे में बात किया गया है। भाई ये कैसा क्या जगह है, नहीं है घूमने फिरने के शौकीन लोग, इससे रिलेटेड इसमें हिंदी के शब्द आपको मिल जा रहे हैं, इंग्लिश के शब्द मिल जा रहे हैं, कैसे पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा उनको मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊँगा लाइव कि भाई आप ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए, रोज़ मैं इस टेक्स्ट को बदलता हूँ, इसके बाद वाले दो और टेक्स्ट को बदलता हूँ, बाकी सारे चीज़ मेरा समझाने का रहता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखें, दीवार देखें, एक बार समझ गया ना तो फिर इंग्लिश ज़िंदगी भर के लिए आसान होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट को इस तरह से है, और देखिए पढ़ते हैं अब, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा कभी कभी हड़बड़ियाँ गड़बड़ी गड़बड़ी में हो जाता है फास्ट टाइपिंग की वजह से। तो दोस्तों ये रहा रोज़ टाइपिंग आपके लिए, तब होता है मेहनत। देखिए एन, एन अबोड ऑफ, देखिए चर, चर आ गया ना, टी आर को चर बोलते हैं, तो कल्चर, कोच्चि केरला इन्वाइट्स यू टू द सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड ऑलिव डॉन्टॉन्स एफिलिएट होटल ए प्लेस वेयर यू कैन सिंपली अनवाइंड एंड रिलैक्स इन कोच्चि काउंटलेस थिंग्स अवेट यू स्टेप इन टू जिंजर हाउस एंड गेट योर टेस्ट बर्ड्स रिफ्रेश्ड लोकल्स, देखिए एल आ गया, सेज ए वाई आ गया, इसे पार्ट्स के हिस्से हैं, दैट यू स्टूडेंट, ये एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे, नॉट लगा हुआ, मिस फोर्ट कोचीज कोचिन कार्निवल विद इट्स कलरफुल पैरेट्स एज कोच्चि इज फेम्ड द वर्ल्ड ओवर फॉर चाइनीज फिशिंग नेट्स डू नॉट मिस विजिटिंग फोर्ट कोच्चि लेटर यू कैन गो ऑन, ठीक है, गो ऑन अ यहाँ हो जाएगा शॉपिंग स्प्री एट एशियाज लार्जेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखिए कम भी, ये भी तो पार्ट है, कॉम्प्लेक्स लुलू मॉल ईयर कॉर बोलते हैं, ये भी पार्ट है, आफ्टर एंड एडवेंचरस डे हेड बैक टू द रिसॉर्ट
indulged in a swim or a spa and relieve all you eggs. देखिए ये भी पार्ट था, एग्जॉशन भी पार्ट है, ट्रस्ट यू सन भी पार्ट है ना, ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस, ई एन सी कैंस बोलता है एक्सपीरियंस। दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का। अब देखिए जो वर्ड्स हैं उसको देखिए, मे विंस कैसे पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, मे विंस ध्यान देना ही होगा, ये तो सीखें कैसे। तरह तरह के वर्ड्स हैं, मे वर्ड है, मे बस, नेक्स्ट है तो मे कॉम के बाद है मे डेज, मे डेज के बाद है मे ड्यूक। देखिए ए वाई सभी में आप देख रहे होंगे कि ए वाई है, ठीक है, ए वाई है मे ड्यूक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेडस, नेक्स्ट जो है मे एने, नेक्स्ट है मे फेयर, नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब देखना ही होगा आपको, मेफिस के बाद है मेहैप्स के बाद देखिए नेक्स्ट जो है मेइंग के बाद देखिए मेनस के बाद देखिए मेओमैन, नेक्स्ट है मेओमेन, मेओरल, नेक्स्ट मेओएटे, नेक्स्ट मेओपोल, नेक्स्ट है मे पॉप्स, इधर नेक्स्ट है सो मेरिन, मेरियन, मेस्टर, मेटाइड, मेटाइम, मे टॉन्स, मे विंस, मे बेड, मेजुआ, मजार्ट्स, मजाटेक और ये मेजडिन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखिए कुछ और भी इसी तरह के आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों तो ये रहा नेक्स्ट, क्या है मेजडियन, डियन, देखिए ईन आई एन, ये इंडियन में आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे मेजडियन। नेक्स्ट है मजदूर, नेक्स्ट मेजडेली, नेक्स्ट है मेजफुल, नेक्स्ट है मेजविस, नेक्स्ट मेजिएस्ट, नेक्स्ट है मिजॉट्स, नेक्स्ट मजुमस, नेक्स्ट है मजुर्का, नेक्स्ट देखिए मजाड, नेक्स्ट है मे मजीस, नेक्स्ट मैक क्लाउड, नेक्स्ट है मैकडोजस, नेक्स्ट मैक हेनरी, मैक लाइवेल, मैकलॉथ, मैकवर्ल्ड और मीकॉक। नेक्स्ट देखिए मीडर्स, यहाँ अलग ई आर को आर बोल रहे हैं, यहाँ ओ आर को भी आर ही बोलते हैं, मीड्यूज, मीडोवी। नेक्स्ट इधर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको, मेजियस, नेक्स्ट मिग्रेर, नेक्स्ट है मिग्रेश, नेक्स्ट मिलर्स, उसके देखिए मिलीज, नेक्स्ट है मिलियर, नेक्स्ट देखिए मिली मिलाइज, नेक्स्ट है मिलिंग, नेक्स्ट मेंडर, नेक्स्ट मीनस, नेक्स्ट है मीनेस्ट। ये है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये रहता है ये वोवल्स रहते हैं, वोवल्स के बिना तो आप अच्छे से वर्ड्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली समझना होता तो मैंने शुरू में बोला कि वोवल्स को ही समझना, जैसे ए को चार तरह से बोलते हैं, यानी कोई भी वर्ड मीनिंग में जब ए आए तो उसको उच्चारण करते समय ये सब देखना है कि ए को अ
आ ए ऐ उच्चारण होता है, इससे बाहर नहीं होगा। जैसे मिडल में को अ बोल रहे हैं, मास पढ़ रहे हैं तो आ जा रहा है, मेड पढ़ रहे हैं तो ए आ जा रहा है, और मैन पढ़ रहे हैं तो ऐ आ जा रहा है। उसी तरह देखिए ई को अ आ ई ई और ए बोलते हैं। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ आ रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए हो जाता है, और पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी होता है, जबकि सी का जो ई है उसका उच्चारण अ ही तो हो रहा है। उसके देखिए अगर आई की बात करते हैं तो सर्कल में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ सर्कल। पीन में छोटी का उच्चारण जो छोटी, टीन में बड़ी के रूप में, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर। उसके बाद ओ है, ओ का उच्चारण भी आप देखिए ई का जैसे पाँच हुआ, आई का पाँच हुआ, लेकिन ओ का चार उच्चारण हो रहा है, अ आ उ उ। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, अप्रूव में ओ का उच्चारण उ के रूप में, जबकि टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यू को भी चार तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ उ यू। जैसे सी यू टी कट में यू को अ पढ़ते हैं, अ प्यू टी पुट में यू को उ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं ट्यून। जबकि अगर डबल ओ की बात की जाए तो डबल ओ को पांच तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ ओ उ ओ, है ना उ ओ। और ये जो है तो जैसे कि एफ एल डबल ओ, एफ एल डबल ओ, देखिए डबल ओ आ गया ना, इसको यहाँ पर अ पढ़ते हैं, कैसे फ्लड पढ़ते हैं, फ्लड 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 अ आ रहा है, फ्लोर वो यहाँ पर ओ आ रहा है, या देखिए एस डबल ओ एन सून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। दोस्तों यही तरीका है, इसी तरह से वर्ड्स पढ़े जाते हैं। तो बताते दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को देवन सीखना है तो ओनली चैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक लेंगे दोस्तों। चाहे आपको पढ़ना सीखना हो या राइटिंग सीखना हो, लिखना करेक्ट या बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप ना, तो ग्रामर की बुक में नंबर वगैरह सही खरीदना है, आसानी से हम लोग पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही था, तो बोलिए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।